कुछ भी जहां ना था कल तक तेरा मेरा, वहां आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे, अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कश्मकश, कैसी कश्मकश। हाँ नानी माँ, ऐसा हो सकता है। नहीं मैम, तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि आरुषि को तनु बनने के लिए अपनी माँ और भाई को भूलना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तनु की माँ नहीं रही और उसका कोई भाई भी नहीं, लेकिन नानी माँ इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा हो भी जाए। मयंक तुम क्या कह रहे हो तुम्हें खुद नहीं पता। पहली बात तो ये कि विक्रम मल्होत्रा ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि वो अपनी तनु के लिए साहिल को किसी और के हवाले नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि तनु का अभी कुछ पता नहीं, अगर वो वापस आ गई तो। नानी माँ आप शायद सही कह रही, लेकिन एक बात भूल रही, तनु को गायब हुए न जाने कितने महीने हो गए, अगर वो कहीं भी जिंदा होती तो भागकर अपने साहिल के पास आ जाती, क्योंकि तनु साहिल के बिना नहीं रह सकती। मतलब एक बात का तो यकीन किया जा सकता है कि तनु वापस आने वाली नहीं, और हो सकता है इसी सच्चाई को मानकर विक्रम मल्होत्रा और रेवती भी खामोश रह जाएं। और तो फिर क्या करोगे तुम, क्योंकि अगर सच में ऐसा हो गया सब बिगड़ जाएगा। कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा नानी माँ, इतनी मेहनत से बिछाई गई इस बिसात को इतनी आसानी से बिखरने तो नहीं दूंगा। मतलब तुमने उन गुंडों से उनको बचाने के लिए झूठ बोला, और अच्छा हुआ तुम वक्त पे वहां पहुंच गए, वरना उस लड़की का क्या होता। वैसे साहिल एक बात बताओ, तुम कब से झूठ बोलने लगे? हाँ कहते हैं ना कि किसी की भलाई के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता, और अगर वैसे भी मैं उस एरिया के भाई का दोस्त बनकर उनकी हेल्प नहीं करता तो वो लोग फंस जाते। मान लो अगर तुम्हें पता लगे कि मैंने तुमसे कोई झूठ बोला है तो? देखो अगर वो झूठ किसी की भलाई के लिए बोला होगा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ये कि मेरी तनु अपने साहिल से कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। अच्छा खैर छोड़ो ना इन सारी बातों, क्या नाम था उन दोनों का? हाँ अकुल और शीतल, वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए। उन दोनों को मैंने घर पर बुलाया। कब बुलाया? कभी भी आ सकते हैं। अच्छा सुनो, वो पापा को फोन किया था, पूछा था कि रात को कहाँ थे वो, कैसे हैं? ओ सॉरी मैं भूल गई। भूल ही जाती हर चीज तुम, मैं फोन कर लेता हूँ। हेलो, कौन बोल रही हैं? मैं रेवती बोल रही हूँ, आप कौन? ये विक्रम साहब के घर का नंबर है? जी हाँ, विक्रम साहब दूसरे कमरे में हैं। आप कौन? क्या बात है साहेब?
पापा के घर में रेवती जी क्या कर रही है? मेरी जरा सी गलती की वजह से साहिल को पता चल गया कि मैं यहां हूं। मुझे फोन नहीं उठाना चाहिए था, घंटी बज रही थी तो बजती रहती। क्या बात है, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो? जी, और ये परेशानी भी मैंने खुद ने मोल ली है। वो कैसे? आपके अंदर जाने के बाद फोन की घंटी लगातार बज रही थी, मैंने फोन उठा लिया। दूसरी तरफ फोन पर साहिल था। ओ, साहिल, ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। तुमने उसे अपना नाम तो नहीं बताया? जी, इसी गलती पर तो अफसोस है। पता नहीं क्या सोच रहा होगा साहिल। हमने देखा है, हम जिस बात को छुपाने की कोशिश करते हैं हालात उन्हें बार बार सामने ले आते हैं। रेवती, अब तुम्हें इस बात को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल चांद से ग्रहण हट चुका है, हालात की बदली छट चुकी है। अब चांद की रोशनी अगर हमारे रिश्तों के अंधेरों को दूर करना चाहती तो उन्हें दूर कर लेने दो। सारी दुनिया को जान लेने दो कि हमारे रिश्ते क्या है। मैं समझ सकता हूं दोनों, लेकिन रेवती जी पापा के घर क्यों गई थी? उन्हें क्या काम हो सकता है पापा से? हजारों काम हो सकता है साहिल। मेरे पापा शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, भाई मिनिस्ट्री हो या म्युनिसिपैलिटी का दफ्तर, हर जगह उनकी पहचान है। काम होगा कुछ रेवती जी को उनसे। चलो ठीक है, मान लिया कि रेवती जी को पापा से कोई काम था, कोई जरूरी काम था, इसीलिए मिलने गई। लेकिन एक आदमी जो किसी के घर गया अपना काम करवाने, वो उसके घर जाके फोन कैसे उठा सकता है? देखो, फोन वही आदमी उठाता है या तो जो अपना हो या फिर उस घर पर किसी तरह का अधिकार है। तुम बताओ साहिल, ऐसा कह के ना तुम मेरे पापा पर शक कर रहे हो। मैं अपने पापा को अच्छे से जानती हूँ, पर रेवती जी उन पर शक करना तो ऐसा है जैसे सूरज पर धूल फेंकना। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना, मैं अब भी पापा को फोन करके पूछ। प्लीज प्लीज प्लीज, तुम फोन करके बात को आगे ना बढ़ाओ। तुम फोन करोगी तो ना अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा कि जैसे हम लोग उन पर शक कर रहे हैं। हाँ, उन्हें बहुत इंसल्टिंग फील होगा ना। देखो, उम्र में तो हम उनसे छोटे हैं ही, नजर में भी छोटे हो जाएंगे। वो छोटी लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है अपनी उम्र से। हेलो हेलो, क्या मैं मिस्टर मयंक चौधरी से बात कर सकता हूँ? बोल रहा हूँ। क्या आप किसी आदित्य को जानते हैं? आदित्य क्यों, कौन बोल रहे हैं? मैं सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर शर्मा बोल रहा हूँ। आदित्य इज माय पेशेंट। क्या हुआ आदित्य को, वो हॉस्पिटल कैसे पहुँचा, कौन लाया उसे? उस दिन पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था जिससे उनके बाएं पांव में चोट आ गई थी। पांव में चोट आई? उसका पैर ठीक तो है, वो चल फिर तो सकता है या नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है, इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब वो काफी हद तक ठीक है। आप चाहें तो आकर मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। आदित्य, आदित्य चौधरी, वाह मेरे भाई वाह, इतने दिनों बाद खबर भी मिली तो एक्सीडेंट की, लंगड़े होकर अस्पताल में लेट गए। अब इस एक्सीडेंट की खबर नानी माँ को दूं या पूर्वा को? वाह मयंक चौधरी, क्या नसीब है तेरा भी,
दुनिया भर की मुसीबतें तेरी नसीब में लिखी, दुनिया सबको झुलझाती रहे और तू उन्हें सुलझाता रहे। मयंक, तुम अकेले में क्या बड़बड़ा रहे?